स्तर में रहेगा तो वो पशु तुल्य, उसके पशु का जीवन मिलेगा। प्रभुपाद जी आगे लिखते, पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। तो ये जो पशु वध करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, ये कौन से गुण के कारण है? तमोगुण के कारण है। और पशु वध जो है वो सबसे जघन्य अपराध है। किसी जीव को मारना ये सबसे जघन्य अपराध है। प्रभुपाद लिखते, पशु वधिक या नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। तो एक कर्म का सिद्धांत बहुत ही गुही है। तो अगर कर्म का ऐसा है कि अगर आप किसी की हत्या करेंगे तो वो जीव भी आपकी हत्या करेगा। तो हम अपने कर्मों को, जैसे कहा भी गया ना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो कर्म का लेख नहीं मिटता। तो हमें अपने कर्म फलों को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो कभी भी हमें किसी के प्रति भी कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। हो सकता है हम सरकारी कानून से, भारत की जो अंधी कानून व्यवस्था है उससे बच जाए, या लोगों को सीसीटीवी कैमरे की नजरों से बच जाए, लेकिन प्रकृति के नियम से, भगवान से हम नहीं बच सकते। तो हमें जो भी करेंगे उसका लेखा जोखा हमारा रहता है। और जो आज करेंगे, आज हमारे जीवन में जो हुआ है वो इसके कारण हुआ है, हमने किसी न किसी के साथ कुछ गलत किया है। तो व्यक्ति को माता पिता बीवी बच्चे भाई बहन सारे सगे संबंधी जो है उसके कर्मफलों के अनुसार मिलता है। इनफैक्ट जन्म भी कर्मफलों के अनुसार होता है। जो जैसे कर्मफल करता है उसके अनुसार उसको वैसे परिवार में, वैसी स्थिति में प्रकृति जो है